वेलकम टू हमारी न्यू चैनल। अगर इस चैनल पे आने वाली वीडियोस आपको अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले और इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दे। चलो आज नई कहानी देखते हैं। इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर है आइड्रिस और खालिद। आइड्रिस एक नौकरानी की बेटी है और खालिद एक नोबल मैन है। एक साल पहले ही उन दोनों की शादी हो गई थी। रात का वक्त था, आइड्रिस के पेट में किसी ने बहुत ही शार्प चीज से स्टैब कर दिया था। वो घाव बहुत बड़ा था। आइड्रिस की हालत बहुत खराब हो गई थी। वो खांसते हुए और दीवार का सहारा लेते हुए जा रही थी। वो सोच रही थी कि अब तो मैं मर ही जाऊंगी, लेकिन जिंदा रहने का मेरे पास कोई रीजन नहीं है। मेरी पूरी लाइफ में जो मैं नहीं चाहती थी वही मेरे साथ हुआ, तो अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे सब बुरा भला कहते थे क्योंकि मैं एक नौकरानी की बेटी हूँ और मेरे पास रॉयल ब्लड नहीं है, और मैंने कभी मेरी फैमिली की मदद मांगने की हिम्मत भी नहीं की। उसके पापा उसे कहते थे कि आइड्रिस, तुम हमारी फैमिली के लिए तभी यूजफुल हो सकती हो जब तुम किसी ड्यूक से सेफली मैरिज कर लो। ड्यूक यानी पैसे वाला आदमी। आइड्रिस सोचती है कि मैंने ड्यूक खालिद से शादी कर ली, वो एक एविल का इनकार्नेशन है, लेकिन मैं अभी मर रही हूँ, किसी को भी मेरी परवाह नहीं है। ये जगह मुझे नर्क जैसी फील होती है। लेकिन वो रोने लगी और बोलती है कि लेकिन फिर भी मैं जीना चाहती हूँ। मेरे जीने की जरा से भी चांस हो, मैं ये बिलीव करना चाहती हूँ कि मैं जी सकती हूँ। तभी वहाँ पे उसका हस्बैंड खालिद भागता हुआ और उसका नाम चिल्लाता हुआ आ रहा था। आइड्रिस देखती है कि ये खालिद है। खालिद उसे पूछता है कि आइड्रिस, तुम्हारे साथ ये किसने किया? आइड्रिस सरप्राइज थी कि उसे ये कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है। खालिद उसे पूछता है कि आइड्रिस, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? क्या तुम जीना चाहती हो आइड्रिस? आइड्रिस हाँ में सर हिलाती है। खालिद कहता है कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है आइड्रिस? और वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता है। आइड्रिस मन में बोलती है कि मैं तुम्हारा भरोसा करती हूँ, और वो कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं। खालिद कहता है कि तो ये बेहतर रहेगा कि अब से तुम मेरा भरोसा करने लगो, और वो आइड्रिस को अपनी स्वॉर्ड से स्टैब कर देता है और कहता है कि चलो फिर से मिलते हैं आइड्रिस। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि आइड्रिस तैयार हो रही है, एक मेड उसके बाल बना रही थी। आइड्रिस साय करती है तो वो मेड उसे पूछती है कि क्या हुआ माई लेडी? उस मेड का नाम है एल्सा। आइड्रिस उसकी ओर स्माइल करती है और कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं बस थोड़ी सी नर्वस हूँ। और वह सोचती है कि मुझे बहुत बुरा सपना आया था। मुझे सपना आया कि ग्रैंड ड्यूक से शादी के एक साल बाद, जब मैं 21 साल की थी, तब असैसिन ने मुझ पर अटैक किया था। वह सपना एकदम मुझे सच लग रहा था कि जब भी मैं मेरे पेट पे हाथ रखती हूँ तब मुझे ऐसा फील होता है कि वहाँ से खून निकल रहा है। एल्सा उसे कहती है कि आज आपकी शादी है तो ये नेचुरल बात है कि आप नर्वस हो, मैंने आपके बाल बना दिए हैं। आज आप दुनिया की सबसे खूबसूरत लेडी हो, यहाँ तक कि रूबीना से भी खूबसूरत। आपको देखते ही सब आपके लिए फ्लैट हो जाएंगे, यहाँ तक कि ग्रैंड ड्यूक भी। एल्सा खुद को आईने में देखती है और सोचती है कि क्या मैं खूबसूरत हूँ? इसे क्या फर्क पड़ता है कि मैं खूबसूरत हूँ, मेरी तो अरेंज मैरिज हो रही है, तो इसमें खूबसूरती से कोई लेना देना नहीं। वो एल्सा को उसे तैयार करने के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन अब भी उसे वो बुरा सपना याद आ ही रहा था जिसमें वो मर गई थी। लेकिन वो हिम्मत जुटाती है कि लेकिन वो तो सिर्फ एक सपना ही था। लेकिन जैसे ही वो बाहर गई, वहाँ ऑलरेडी ही कोई खड़ा था। ये है केस, उसका बड़ा भाई जो हर वक्त उसे बुली करता रहता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास तो रॉयल ब्लड नहीं है, तो तुम्हें डेफिनेटली अभी कॉन्फिडेंट दिखना होगा क्योंकि तुम ड्यूक के साथ शादी करने जा रही हो, ग्रैंड ड्यूक के साथ शादी करने जा रही हो। हाँ, लेकिन एल्सा उन दोनों के बीच में आ गई और कहती है कि यंग मास्टर, अभी आप मैस मत करिए, यंग लेडी का मेकअप खराब हो जाएगा, मुझे फिर से वो करना पड़ेगा। केस बिटरली स्माइल कर कहता है कि ऑफ कोर्स, वो ग्रैंड ड्यूक की दुल्हन है, मेरे जैसा कोई उस पे कैसे हाथ उठा सकता है। एल्सा को गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती, वो गुस्से से अपने हाथ को ही जोर से पकड़ लेती है। केस उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हें हमारी फैमिली के लिए ग्रैंड ड्यूक का फेवर जीतना है, अगर तुम ग्रैंड ड्यूक का दिल जीतने में फेल हो गई तो हम तुम्हें घर वापस नहीं रखेंगे, हमारी फैमिली की रेपुटेशन खराब मत कर देना। और वो जाते हुए आइड्रिस से टकराता गया और इसकी वजह से आइड्रिस नीचे गिर गई। आइड्रिस सोचती है कि वो जानबूझ के मुझे धक्का दे के गया, एक दिन मैं उसे दिखा के रहूंगी। एल्सा उसकी हेल्प करने आ गई कि यंग लेडी आप ठीक तो है, प्लीज रोइए मत, अभी ज्यादा वक्त नहीं बचा है, मेरी ओर देखिए। लेकिन वो खुद भी रोने लगी थी। लेकिन वो देखती है कि एल्सा के हाथ में एक छोटा सा चोट का निशान आ गया है, तो वो कहती है कि मैंने आपका हाथ इतना टाइटली पकड़ लिया कि वहाँ पे मार्क बन गया, अब हम क्या करें? आइड्रिस कहती है कि उस पे हम थोड़ा सा पाउडर लगा देंगे तो वो नहीं दिखेगा। फिर एल्सा ने उसके घाव को मेकअप से छुपा दिया और उसे रेडी कर दिया। फिर उसे शादी वाले हॉल में जाना था। आइड्रिस कॉन्फिडेंट दिखने की पूरी कोशिश कर रही थी क्योंकि आज फाइनली वो ड्यूक के साथ शादी करने वाली थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस कहानी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो इसके आगे के पार्ट जरूर देखना। जल्दी ही इस चैनल पर इस कहानी के आगे के पार्ट्स अपडेट होते रहेंगे, तो मिस मत करना।
और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट भी जरूर कर देना। बाय बाय।